बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप और आपके परिंदे खैर खैरियत से होंगे और आप अपने परिंदों का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको लव बर्ड्स की ताज़ी कीमतों के बारे में बताऊंगा, यानी कि लव बर्ड्स के प्राइसेस के बारे में अपडेट करूंगा कि आजकल मार्केट में लव बर्ड्स की क्या प्राइसेस चल रही हैं। तो मैं आपको रावलपिंडी बर्ड्स मार्केट कॉलेज रोड की प्राइसेस बताऊंगा। तो आज का जुलाई चल रहा है, तो जुलाई में मैं आपको बताता हूँ जुलाई 2024 में लव बर्ड्स की क्या कुछ कीमतें हैं और इनका आजकल पेयर आपको अगर लेने जाएंगे तो कितने का मिल जाएगा। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यह है कि अगर आप मार्केट में लव बर्ड्स वगैरह लेने जाएं तो आपको प्राइस का आइडिया हो, ताकि आपको किसी भी किस्म का धोखा वगैरह ना हो, लोग आपको चीट ना कर सकें, यानी कि अगर सस्ती चीज़ है तो वो आपको महंगी ना बेच सकें और अगर महंगी है तो आपको मजीद महंगी ना बेच सकें। तो इसलिए मैं सोचा यार ये वीडियो बनाई जाए और आपको लव बर्ड्स के प्राइसेस के बारे में अपडेट किया जाए। तो लव बर्ड्स के मैं आपको बड़े पेड़ की प्राइसेस बताऊंगा, पट्ठों की नहीं बताऊंगा। अगर आपने पट्ठों की जानी है तो फिर जो मैं आपको प्राइसेस बताऊंगा उससे 300-400 रुपये आप सस्ते में समझ लेंगे, उससे कम में आपको पट्ठों का जोड़ा मिल जाएगा। कोई भी लव बर्ड की किस्म हो तो उसमें 400 से 500 का मैक्सिमम फ़र्क होता है, या अगर महंगी म्यूटेशन होगी तो उसमें 1000-1000 रुपये का तकरीबन फ़र्क होगा पट्ठों में। तो मैं आपको बड़े पेड़ का बताऊँगा, यानी कि आजकल अगर आप अपने पास बड़े पेड़ लेकर आएंगे तो वो आने वाले सीजन में आपके पास ब्रीड स्टार्ट कर देंगे, यानी कि जैसी ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होगा आप उनकी मटकियों में आप उनके केज में मटकियां या बॉक्स वगैरह लगाएंगे तो इंशाल्लाह वो आपके पास जल्दी ब्रीड स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको फिशर की प्राइस बताता हूँ। तो फिशर का आप अगर पेड़ लेने जाएंगे आजकल मार्केट से तो वो तकरीबन आपको 1500 से 1800 का पेड़ मिल जाएगा आसानी से, जो कि हेल्दी और एक्टिव होगा और रेडी टू ब्रीड होगा। तो इसी तरह फिर मैं आपको बाकी पेड़ के बारे में बताऊंगा। तो आपने पट्ठों का अगर रेट जानना है तो आपने पट्ठों के प्राइस 400-500 रुपये नीचे कर लेनी है, या 200 से 300 रुपये आपने सस्ती का नीचे कर लेनी है तो आपको पता चल जाएगा पट्ठों का क्या प्राइस है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि 1500 का आपको अगर फिशर का बड़ा पेड़ मिलेगा तो तकरीबन 1000 से 1100-1200 का आपको पट्ठों का पेड़ मिल जाएगा। तो इसी तरह बाकी भी अंदाज़ा लगा लीजिएगा। तो मैं आपको बाकी लव बर्ड्स के बारे में बताता चलूं, तो जिसमें पीच फेस आ जाता है, जिसको रोजी कोली कहा जाता है, तो वो तकरीबन आपको 2000 से 2200 का पेड़ मिल जाएगा मार्केट से। इसके अलावा अगर कॉमन लुटीनों की बात की जाए तो वो भी तकरीबन आपको 1800 से 2000 से 2200 का पेड़ मिल जाएगा रावलपिंडी की मार्केट से। मुख्तलिफ शहरों में इनका मुख्तलिफ रेट हो सकता है, लेकिन रावलपिंडी की मार्केट थोड़ी महंगी है, यहाँ पर थोड़ी चीज़ें महंगी मिलती हैं आपको। अगर आप कराची या मुल्तान या लाहौर की मार्केट देखें तो वो थोड़ी सस्ती है पिंडी की नस्बत। तो इसलिए पिंडी के लोगों के लिए ये रेट है, जब आप मार्केट से लेने जाएंगे तो आपको इस प्राइस में कहें इंशाल्लाह लव बर्ड्स का पेड़ मिल जाएगा। उसके अलावा लुटीनो पर सनाटा की बात की जाए तो वो तकरीबन आपको 2500 से 2800 या 3000 का पेड़ मिलेगा। उसी में अगर लुटीनो पर सनाटा रेड आइस की बात की जाए तो वो तकरीबन आपको 3000 से 3500 का पेड़ मिलेगा। इसके अलावा अगर अल्बाइनो ब्लैक आइस की बात की जाए तो वो भी तकरीबन आपको 3000 से 3200 या 3500 का पेड़ मिलेगा। और इसके अलावा अगर अल्बाइनो रेड आइस की बात की जाए तो वो तकरीबन आपको 4000 से 5000 या 5500 का पेड़ आसानी से मार्केट से मिल जाएगा। इसके अलावा अगर क्रीमिनो की बात की जाए तो वो तकरीबन आपको 7000 से 8000 का पेड़ मिल जाएगा। और उसके बाद अगर पारब्लू की बात की जाए तो पारब्लू आपको तकरीबन 7000 से 8000, या तकरीबन अगर उसकी मास्किंग अच्छी होगी यानी कि वायलेट पारब्लू होगा तो वो आपको तकरीबन 10-1000 का पेड़ मिलेगा। और अगर वो ब्लू पारब्लू होगा यानी कि नॉर्मल क्वालिटी का पारब्लू होगा तो वो आपको 5 से 6 हज़ार का मिल जाएगा। इसके अलावा अगर ब्लू फिशरी की बात की जाए तो वो भी तकरीबन आपको 3500 से 4000 का पेड़ मिल जाएगा। इसके अलावा अगर ब्लैक मास्क की बात की जाए तो वो तकरीबन आपको 2800 से 3000 का पेड़ मिल जाएगा। इसी में अगर ब्लू कोबाल्ट की बात की जाए तो वो भी तकरीबन 2500 से 2800 का आपका पेड़ मिलेगा। और रोजी कोली की जो तमाम वैरायटीज आ जाती हैं, जिसमें पीच फेस या कोई भी आ जाता है रोजी कोली में, तो वो तकरीबन आपको 2500 से 2800 या 3000 का पेड़ मिल जाएगा। इसके अलावा अगर म्यूटेशन की बात की जाए जिनमें ऑफलाइंस वगैरह आ गए हैं, ग्रीन ऑफलाइन का आपको तकरीबन 4 से 5 हज़ार का पेड़ मिल जाएगा, या हो सकता है इससे भी काफ़ी सस्ता मिल जाए। तो इसी तरह बाकी जो ऑफलाइंस हैं, लुटीनो ऑफलाइन की बात की जाए तो वो भी तकरीबन आपको 3500 से 4000 का पेड़ मार्केट से मिल जाएगा। तो आजकल आप देख रहे होंगे कि लव बर्ड्स की काफ़ी प्राइस डाउन हो गई हैं, तो एक ये एक बेहतरीन टाइम है, या आप इस टाइम में आप लव बर्ड्स को खरीद सकते हैं। अगर आप आजकल लव बर्ड्स को खरीदेंगे तो आपको काफ़ी प्रॉफिट होगा, क्योंकि आने वाले सीजन में इनकी प्राइसेस ऊपर चली जाएंगी तो फिर आपके लिए खरीदना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप अभी ले लेते हैं, लव बर्ड्स के शौकीन हैं, लव बर्ड्स रखना चाह रहे हैं, तो ये एक बेहतरीन टाइम है, आप इस टाइम में लव बर्ड्स को ले लीजिए। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा जब आप ब्रीड आएगी आपके पास, तो जिस कीमत में आप इनका पेड़ अभी परचेज करोगे इस कीमत में आप इनके पट्ठे सेल करेंगे आने वाले सीजन में। और आप ऐसा बिल्कुल भी ना समझे कि जैसा कि आजकल लोग कह रहे हैं कि लव बर्ड्स का प्रोग्राम बढ़ गया, यानी कि लव बर्ड्स का बिजनेस खत्म हो गया, लव बर्ड्स बिल्कुल ही पिट चुका है, तो इस तरह नहीं है। आजकल सीजन ऑफ है इसलिए लव बर्ड्स के प्राइसेस कम हो गई हैं, लेकिन जैसे ही सीजन आएगा तो इंशाल्लाह इनकी प्राइसेस ऊपर चली जाएंगी। तो ये एक समझदार मूव है, यानी कि अकलमंदाना मशवरा यह है कि आप अभी अगर लव बर्ड्स रखना चाह रहे हैं तो इनको ले लीजिए, आप इनको ब्रीड करवाइए, इनकी ब्रीड सेल कीजिए, इंशाल्लाह आपको इससे प्रॉफिट होगा और आप इससे मजीद सीखेंगे और फिर आप महंगी म्यूटेशन की तरफ भी जा सकेंगे।
तो आप देख रहे होंगे क्रिमिनो का पहले जो पेयर 40 से 45 हज़ार का होता था वो तकरीबन आजकल 60 से 8 हज़ार का आ गया। तो आप देख लें कितनी कीमतें डाउन हो गई हैं। तो अभी आप परचेज़ करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो वीवर्स, ये थी लवबर्ड्स की ताज़ा कीमतें। अगर कोई लवबर्ड रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं वहाँ पर आपको उसकी कीमत बता दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और देखते रहिए इमरान बर्ड्स एवरी चैनल। और आपको कोई भी सवाल हो ये लवबर्ड्स म्यूटेशन या प्राइसेस के अलावा, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह वहाँ पर आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा।